हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन मार्क। फ्रेंड्स, आज हम इडली सांभर के साथ खाने वाली स्पेशल चटनी बनाने जा रहे हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप हर साउथ इंडियन रेसिपी के साथ में सर्व भी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्पेशल चटनी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है। हाँ, मैं 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालूंगी। हाँ, मैं 1/4 टीस्पून हींग पाउडर। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3/4 कप मूँगफली के दाने और 1/4 कप चने लिए हैं। ये रोस्टेड चने हैं छिलके उतरे हुए, और 4-5 ये सूखी लाल मिर्च है। हाँ, मैं सबसे पहले ये मूँगफली को दाने को डाल दूंगी, इसे मैं रोस्ट कर लूँगी। हाँ, मेरी गैस की फ्लेम लो है, इसके अंदर मैं ये 1/4 कप रोस्टेड चने डाल दूंगी। इसे भी हम थोड़ा सा चला लेंगे। यहाँ हमें गैस की फ्लेम एकदम लो रखना है। यहाँ पर मैं ये 4-5 सूखी लाल मिर्च भी डाल दूंगी। यहाँ पर 4-5 हरी मिर्च के टुकड़े कर दिए, ये भी डाल दूंगी। कुछ कड़ी पत्ते लिए मैंने, ये धोकर साफ करके ये भी इसके अंदर डाल दूंगी। हम सबको पहले अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये 6-7 कली लिए लहसुन की छिलकर, इसे भी मैं डाल दूंगी। यहाँ मैं लो फ्लेम पर सबको पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून सौंफ, ये सब डालकर भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप एक बार इस प्रकार से ये चटनी ज़रूर से बनाइएगा, आपको भी ये चटनी बहुत अच्छी लगेगी। इन सबको अच्छे से पहले रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर लहसुन, हरी मिर्च क्वांटिटी कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये देखिए, सब अच्छे से रोस्ट हो गए। यहाँ गैस बंद कर दूंगी। देख रहे हो फ्रेंड्स, मैं इस तरह से खोपरे के बूरे को एक एयर टाइट कंटेनर में भर कर फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। इसके अंदर में ये 4 टीस्पून खोपरे का पाउडर डाल दूंगी। यहाँ पर हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने गैस बंद कर दिया है और मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, ये इस तरह से खोपरे के बूरे को एयरटाइट कंटेनर में आप भर दीजिए, और आप हर रेसिपी में इसे यूज़ कर सकते हो। खोपरे के बूरे की रेसिपी अब तक नहीं देखी तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जरूर से देखिएगा। फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, और इसे स्टोर करके आप आसानी से रख सकते हो। और जब सबसे बड़ी बात तो ये फ्रेंड्स, आप जब भी इसे यूज़ करोगे तो इसमें स्मेल नहीं आएगी, तो आप इसे ज़रूर से देखिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारे सारे मसाले अच्छे से मिल गए। अब मैं इसे ठंडा होने दूंगी और उसके बाद हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। अब ये मिश्रण ठंडा हो गया, इसे मैं एक मिक्सी के जार में डाल दूंगी। अब इसके अंदर हम मसाले डाल देंगे। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून नमक, यहाँ पर मैं ये 2 टेबल स्पून दही के डाल दूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ये घर का फ्रेश दही है। आप जब भी चटनी वगैरह में फ्रेंड्स दही यूज़ करें तो घर का फ्रेश दही यूज़ करें। यहाँ मैं 2 टेबल स्पून दही डाल दूंगी और 1 कप कोथमीर डाल दूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ये कोथमीर को अच्छे से धोकर साफ कर लिया था, ये इसमें मैं डाल दूंगी। अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने चटनी अच्छे से बारीक पीस ली है। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम इसी पैन में जिसमें हमने सारा मसाला बनाया था, इसी पैन में मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून राई डाल दूंगी। इसे हम अच्छे से तड़तड़ा लेंगे। ये देखिए, यहाँ हमारी राई तड़तड़ा गई है। यहाँ मैं गैस बंद कर दूंगी। यहाँ मैं कुछ कड़ी पत्ते लूंगी, ये भी इसमें डाल दूंगी। यहाँ हम इसे भी तल लेंगे। यहाँ मैं गैस की फ्लेम लो रखूंगी। यहाँ मैं 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारा बघार एकदम रेडी है। थोड़ी सी हींग, ये देखिए, ये हमारा बघार तैयार हो चुका है। यहाँ मैं गैस बंद कर दूंगी और ये जो हमने ये चटनी पीसी थी ये इसके अंदर डाल दूंगी। अब यहाँ मैं गैस वापस चालू कर दूंगी और लो फ्लेम पे इसे रख देंगे। यहाँ मैं इस जार में थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। ये पानी जो मैंने इसमें डाला था ये भी इसे धोकर इसमें डाल देंगे। इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए, हमारी यहाँ पर चटनी बनकर तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमें इस चटनी को बॉईल नहीं करना है। ये तो मैंने सिर्फ मिलाने के लिए, इस पैन में ही अच्छे से मिक्स हो जाएगी, इसलिए इस पैन में ही सब डाल दिया। और ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी, ये इतनी गाढ़ी है। यदि आप यहाँ पे जैसे इसको पतली खाना पसंद करते हो तो आप इसमें पानी और ऐड कर सकते हो, पर हमारे यहाँ जैसे ये इतनी गाढ़ी अच्छी लगती है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारी चटनी बनकर तैयार है। अब मैं इसे आपको सर्व करके बताती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारी इडली सांभर के साथ खाने वाली चटनी बनकर तैयार है। आप इसे डोसे के साथ, इडली के साथ, उत्तपम के साथ और फ्राइड इडली के साथ में इसे खाइए, इसे सर्व कीजिए फ्रेंड्स। ये यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस है और इसे बनाना भी आसान है। और इसे आप 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो। आप इसे आसानी से, इसे साउथ इंडियन डिश के साथ में इसे आसानी से सर्व कर सकते हो। साउथ इंडियन डिशेस के साथ में सर्व करने वाली चटनी तैयार है और ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताई है। जितनी भी साउथ इंडियन डिशेस होती है उसके साथ में आप इसे आसानी से सर्व कर सकते हो। आप इसे राइस के साथ में भी आसानी से सर्व कर सकते हो, उसके साथ में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगेगी। आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये चटनी की रेसिपी पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी ये चटनी की रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसे अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल किचन मार्क को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।